दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डे बुक। और डे बुक में आज हम क्या करेंगे, लेज़र भी बनाएंगे और लेज़र का स्टेटमेंट भी करेंगे, पेमेंट रिसीव सब चीज़ करेंगे। और सबसे विशेष बात कि आज जो हम बनाएंगे ये गूगल शीट में बनाएंगे, तो आप इसको आखिरी तक ज़रूर देखें, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आपने खोलना है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में आने के बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है उसको आपने लॉगिन कर लेना है, साइन इन कर लेना है। उसके साथ यहाँ से आपने इसको ब्राउज़ करना है गूगल शीट को। जब हम गूगल शीट में क्लिक करेंगे तो ये गूगल शीट जो है वो ऑनलाइन हमारे पास इस तरह से चल के आएगी। इसमें हमने ले लेना है एक ब्लैंक शीट। और ब्लैंक शीट लेने के बाद इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ शीटें आ गई, जो एक शीट आ गई है। इसमें आपने एक दो एक और ऐड करनी है, तीन चार पांच शीटें इसमें हम ऐड करेंगे आज। सबसे पहली शीट जो होगी वो हो जाएगी हमारी, इसको रिनेम कर लेंगे हम, इसका नाम हो जाएगा लेज़र। और दूसरी जो शीट है इसका नाम रख लेंगे हम, इसका नाम रख लेंगे स्टेटमेंट। और यहाँ पे होगी एक शीट हमारी, इसका नाम रख लेंगे पेमेंट, या इसका रख लेते हैं डे बुक। और एक शीट हो जाएगी हमारी पेमेंट की, एक शीट हो जाएगी हमारी रिसिप्ट। तो चाहे तो इसमें जर्नल वगैरह की भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसमें पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ लेज़र बना लेते हैं, जैसे सीरियल नंबर कर लिया हमने यहाँ पे, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे आपने उसमें नेम में आपका चाहे एक्सपेंस हो या जो भी हो, नेम ऑफ लेज़र हो जाएगा एक तरीके से ये। और इसमें ओपनिंग बैलेंस कर लीजिए आप, और टोटल डेबिट कर लें आप, टोटल क्रेडिट कर लें वो भी आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट में नहीं करना चाहते हैं अगर आप इसको, तो सिंपल भी कर सकते हैं आप इसको, यानी कि इसमें कर लेते हैं हम अमाउंट इन, अमाउंट आउट और बैलेंस। अभी हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेज़र हमने जैसे यहाँ से लिए, मान लीजिए हमने यहाँ 10 लेज़र ले लिए। और 10 लेज़र लेने के बाद इनके नाम रख दिए, जैसे मान लीजिए एक है हमारा रेंट का एक्सपेंस, और एक है हमारे पास कमीशन, और है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, अमन, रमन, जावेद, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जनरल एक्सपेंस। तो ये हमारे कुछ खर्चे हैं। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, सेलेक्ट करके आप इसको बॉर्डर ले लें। इसमें आज मैं आपको ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो आपने एक्सेल में देखे ही नहीं होंगे, जिस और बहुत आसान फॉर्मूले होंगे, लेकिन क्या है जब तक वो आपको पता नहीं होगा तो वो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगा बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पे हमने लेज़र आ गया, यहाँ पे हमने पेमेंट में चलते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लेज़र में, हमने यहाँ पे एस नंबर यानी इसकी आईडी दी है। पेमेंट में हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने पे आईडी, और यहाँ पे लिख दिया लेज़र आईडी। इसके बाद हो गया लेज़र आईडी हो गई, और इसके बाद आपका हो गया पार्टिकुलर अमाउंट पेड, और यहाँ पे आपने कैश बैंक भी कर सकते हैं आप, कैश या कार्ड कैसे दिया आपको, और नरेशन। तो ये हमारी जो हो गई यहाँ पे, इसको हमने बोल्ड कर लिया और थोड़ा इसको बॉर्डर वॉर्डर ले लिया। इसको ही चाहें तो आप कॉपी करें और रिसीप्ट में आके इसको ही यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब इसमें पे आईडी की जगह हम रिसीव आईडी कर देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिसीव आईडी, बाकी सब चीज़ें वैसी रहेंगी। आप
चाहें तो यहाँ पे हम इसको लेज़र में, हम यहाँ पे एक लेज़र और बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस अमाउंट इन अमाउंट आउट अवेलेबल बैलेंस। तो कैश बैंक के जो हमारे लेज़र हैं उनके हम नाम रख देंगे यहाँ, जैसे मान लीजिए कैश है हमारे पास, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब और भी ले सकते हैं, फिलहाल हम कैश ही ले लेते हैं। अब हमने पेमेंट में हमने आए, रिसीव में आए, डेबुक में, अभी डेबुक का बाकी है। तो पेमेंट में जब हम आएंगे तो इसमें हम एक चीज़ और ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, वो है डेट, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग ही हमें डे बुक बनानी पड़ेगी। जैसे रिसीव नंबर लिख लिया हमने 1 2, और फिलहाल 20 ट्रांजैक्शन ले लेते हैं इसमें। इसी तरह से पेमेंट में ये कुछ ट्रांजैक्शन ले लिए हमने, यहाँ पे ले लिए। आप इसमें एक साथ दो तीन जने भी काम कर सकते हैं, उसके लिए शेयर वगैरह करके आप कर सकते हैं। अच्छा, डे बुक में अभी नहीं करते हम, फिलहाल हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, लेज़र आईडी लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे, अमाउंट पेड कितनी कर रहे हैं, और कैश बैंक भी यहाँ पे लेंगे। जैसे हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम फार्मूला लगा दें, बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये वाला हो जाएगा, कोमा, इसमें लेज़र में हम आ जाते हैं और ये सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ए से लेके एफ तक, कोमा 1 2, टू नंबर का हमें वो चाहिए। देखें वी लुकअप में क्या होगा, पहले लुकअप वैल्यू, फिर जहाँ से वो आना है और कौन सा कॉलम, जैसे पहला कॉलम दूसरा कॉलम चाहिए तो हम यहाँ 2 कर लेंगे, और इसको कर लेंगे हम 2 करने के बाद कोमा 0, तो यहाँ पे ये आपका इस टाइप से आ जाएगा। फिलहाल इसको हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा दें, ये आपका इफ एरर फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमने डेट लिखी 1 1 20, 1 1 20, 1 1 20, 2 1 20। आप इसमें इसका फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, पहले तो आप इसको सेंटर कर लें, फिर इसमें राइट क्लिक, बल्कि फॉर्मेट में आ जाएं आप इसको, और इसमें आपका नंबर में आ जाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं हम डेट 26/9, या फिर इस टाइप से ले लेते हैं मोर फॉर्मेट, बल्कि ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। नंबर परसेंटेज डेट टाइम फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज चाहें तो आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम ये वाला ले लेंगे 1 जनवरी 1 जनवरी, बल्कि यहाँ पे 1 2 20, 1 2 20, 1 3 20, 1 4 20, कुछ डेट वगैरह हमने यहाँ ले ली। लेज़र नंबर 1 3 4 5 6 7 1 2, ये हमने ले लिए। अब इसको एक बार और ले लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाएगा 1 4 20, 1 5 20,
ये कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं, अमाउंट, यहाँ फिलहाल हमने एक रैंडम अमाउंट ले ली है, आप चाहें तो इसकी कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके यहीं पर ही आप इसको पेस्ट कर सकते हैं वैल्यूज और भी। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू हो गई, अब ये फॉर्मूला नहीं बचा। यहाँ पे हमने इसको कैश ले लिया और यहाँ पे हमने गूगल पे कैश, गूगल पे कैश कैश, नरेशन जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा पेमेंट का हो गया। इसी तरह से हमने रिसीव करना है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये डेट को हम कॉपी करके पूरी यही डेट यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, लेज़र नंबर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं बी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, ये हो जाएगी, कोमा लगाएंगे, लेज़र में आ जाएंगे, चाहे तो आप दो ही ले लेंगे, कोमा टू कोमा ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। यहाँ से पहले आप इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे इफ एरर, लास्ट में आके दो बार कॉलन लगा लेंगे। आप जहाँ तक इसको खींचना चाहें खींच सकते हैं। अभी हम इसमें यहाँ पे भी रेंट रेंट बिटवीन, इसमें हम ले लेते हैं 1000 से लेके 5000 के बीच। यहाँ पे कुछ हेडर हैं जैसे रिसीव आईडी, डेट, लेज़र आईडी, पार्टिकुलर अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। और ये आ गया आपका, इसको हमने इधर से यहाँ से लिया, कॉपी किया आपने, यहीं पे आके आपने पेस्ट वैल्यूज़ कर दिया तो वैल्यूज़ में आ गया। रिसीव सब हमने मान लीजिए कुछ गूगल पे से किया, कुछ वैसे किया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कितना कैश है, कितना आया है, कितना गया है और कितना बाकी है। तो लेज़र में हम आएंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने इनको बॉर्डर में कर लेते हैं, इसको हमने बोल भी कर लिया। ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए इसमें 5000 था और एक दूसरा लिया हमने गूगल पे, इसका हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, 1000 इसमें था। तो अमाउंट इन जो हुआ है बराबर सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, रिसीव वाले टेबल में चले जाएंगे, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे हमारा कैश और बैंक है, यानी जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो हमें कैश और गूगल पे देखना है। तो कैश और गूगल पे इस कॉलम में है, कोमा लगाएंगे, फिलहाल 1 लिख देते हैं यहाँ पे, फिर कोमा लगाएंगे और अब हम ले लेते हैं जहाँ पे अमाउंट है टोटल, टोटल वो यहाँ पर है, इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब 1 की जगह हमें यहाँ से चेंज करके ये वाला सेल, 1 की जगह हम ले लेते हैं ये वाला सेल, एंटर कर देंगे। ये आ गया और इसमें ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, ये आ गया।
सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे। सम इफ करना है, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, रेंज वह है जहाँ पे गूगल कैश और गूगल पे लिखा है, क्राइटेरिया हमारा ये है, सम रेंज वहाँ पे है जहाँ से टोटल आना है। तो आउट जो हुई है वो पेमेंट से हुई है, तो ये वाला कॉलम तो हो गया हमारा जहाँ पे हमारा कैश कार्ड है, कोमा या फिलहाल वन लिख दिया, फिर कोमा लगाया, ये हमारा टोटल है, एंटर कर लेना। आप चाहें तो इसकी जगह सीधे ये ले लेंगे, वन हटा देंगे, तो ये हो गया। अब अवेलेबल बैलेंस जो होगा ओपनिंग में प्लस हो जाएगा जो इन हुआ है, और माइनस हो जाएगा जो आउट हुआ है। तो ये तो हमारा कैश बैंक का बताने लग गया। अब इसी तरह से एक्सपेंस इन वाला देख लेते हैं। सम इफ फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, अब इन वाला जो है अमाउंट जो इन हो रहा है वो रिसीव से हो रहा है, तो ये हमारा पार्टिकुलर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमारे हमें कमीशन हो या यही चीज़ देखनी है। कोमा वन कर लेते हैं इसकी जगह, कोमा जहाँ पे हमारा टोटल सम रेंज है वो ई वाला है क्योंकि टोटल तो यहीं पे है, ये हमारा टोटल हो गया। अब ये जो वन है यहाँ पे हमने वो अपना क्राइटेरिया दे देना है, वन की जगह हम ले लेते हैं क्राइटेरिया। तो आप देखेंगे रेंट कहीं रिसीव नहीं हुआ, इसमें जो जो रिसीव हुआ है वो यहाँ पे टोटल आ गया। अब आप इसका सबका टोटल देखेंगे, यहाँ से हम इसको बराबर सम करते हैं, तो आप देखेंगे ये टोटल आ गया, और इन दोनों का सम करते हैं तो ये टोटल आ गया, दोनों का टोटल सेम आ गया, यानी इतना अमाउंट इन हुआ। आउट के लिए हम सम इफ में आएंगे, पेमेंट और ये वाला लेंगे क्योंकि सारा डिटेल यही है, कोमा वन कर लेंगे फिलहाल, कोमा फिर ले लेंगे सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे, वन की जगह यहाँ से हम फिर ले लेते हैं रेंट यानी B5, तो बता देगा रेंट कितना जमा हुआ है। बैलेंस का सिंपल हो गया आपका ओपनिंग प्लस इन माइनस आउट, अब हमें इसमें एक चीज़ देखनी है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमें ये देखना है कि हमारे पास कैश कितना आया। तो जैसे कैश हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया, हमने क्या चीज़ देखनी है, मान लीजिए हमने कैश कार्ड और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कैश कितना आया हमारे पास। तो देखें यहाँ पे जो हमारा पेमेंट है इससे तो गया है और यहाँ से रिसीव से आया है, तो ये सारे हेड हमने फिलहाल इतने हेड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और स्टेटमेंट में हम आ गए, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ले लिया। अब इसमें आपने करना यह है कि रिसीव आईडी में आए आप, बराबर का साइन लिया आपने, लिया यहाँ पे फिल्टर नाम से एक फॉर्मूला होगा इसमें जो कि एक्सेल में नहीं होता, गूगल शीट में होता है, ब्रैकेट ओपन किया, इसमें रेंज पूछेगा आपको, तो इसमें हमने एक रेंज लेनी है। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं रिसीव का, तो रिसीव में आके हम जो रेंज चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं ये वाली ए वाली रेंज कोमा, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो इस वाली रेंज से आ रहा है। वैसे तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करना था, चलिए वैसे शुरू कर लेते हैं, कोमा और फिर स्टेटमेंट में आके यहाँ पे ले लेते हैं हम कैश, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसमें बहरहाल रेंज हम वैसे ले लेते हैं, ए आपका यहाँ से A6 से लेकर 50 तक कर लेते हैं, A6 से लेकर A50 तक,
F6 से लेकर F50 तक, और यहाँ पे लगाएंगे हम बराबर। तो आप देखेंगे इसने हमें ये बता दिया कि कौन कौन सा कितने कितने नंबर का ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसी में हमें डेट लेना है, तो आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, या फिर हम इसमें क्राइटेरिया रेंज को कर देते हैं लॉक, V4 को भी कर देते हैं लॉक, और इसको जो हम लॉक करेंगे A6 को, इसको हम लॉक नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये नीचे वाला जो है टेक्स्ट में आ रहा है, ऊपर एक जगह फॉर्मूला लगा, B6 हो गया, इसके बाद लेज़र, आपका लेज़र का आ गया, फिर ये हो गया पार्टिकुलर, और अमाउंट ये आ गया। आपने सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर कर लिया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने कैश का देख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं गूगल पे, तो आप देखेंगे गूगल पे में कितना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, इससे हम स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हैं। चलिए अभी हम किसी पार्टिकुलर, ये तो हो गया हमारा एक स्टेटमेंट इस टाइप का कि जहाँ से आपने जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका देखना है, किस किस से रिसीव हुआ है वो देखना है। अभी आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई किस किस को पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट में जाके ये कॉपी कर लेंगे, आप कॉपी करके आप इधर ले आए और सीधे हमारा जो ये हमारा फॉर्मूला है, चाहे तो इसकी कॉपी कर लें, सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान देना है, जहाँ रिसीप्ट है उसकी जगह हम पेमेंट कर देते हैं। ये आ गया आपका इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड, इसमें भी आ जाएगा। तो ये हमारा गूगल पे का ट्रांजैक्शन हो गया, ये हमारा कैश का हो गया, तो ये हमें बताता चलेगा कि कितना है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसका टोटल ले लें, टोटल इन, टोटल आउट, बल्कि इसको टोटल इन हो गया, ये टोटल आउट हो गया, और इधर बैलेंस। ओपनिंग हो गया, ओपनिंग के लिए आप चाहें तो वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, लुकअप वैल्यू ये हो गई। लेज़र में आके आपने यहाँ से ये ले लिया, पहला दूसरा कोमा ज़ीरो, तो ये हमें बताता रहेगा कि आपका जो है ओपनिंग कितना था। वैसे तो वहाँ से आप इसी फॉर्मूले को आगे खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सम कर लेंगे। फिलहाल यहाँ 150 तक सम कर लेते हैं। बराबर 5000 पहले थे, 21000 आए, माइनस 10000 गए। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट हमने बना लिया, हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास गूगल पे कितना है, गूगल पे का क्या रिकॉर्ड है, कितना अवेलेबल बैलेंस है, वो यहाँ पे भी देख सकते हैं वैसे तो। अभी हम किसी पार्टिकुलर लेज़र के बारे में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेज़र का बना लेंगे। अब इसमें अगला पार्ट आगे जो चलते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे लेज़र। अब लेज़र जो मोस्टली हमारा लेज़र आईडी से है, तो यहाँ पे हम लेज़र आईडी कर लेते हैं और इसमें ले लेते हैं लेज़र आईडी और नेम यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे रिसीविंग में आके डेट और अमाउंट कैश कार्ड, इसको कॉपी कर लेते हैं।
ये हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ देखेंगे लेज़र आईडी हमने लिखी 1, तो 1 के लिए हम करते क्या हैं कि पहले तो हम वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे ये वाला सेल लुकअप हो गया और सर्च हम करेंगे यहाँ से, लाल 2 ही ले लेते हैं, कोमा 2 कोमा 0, यहाँ पे आ गया नंबर 1 रेंट। अब हमने रेंट का देखना है कि ये तो हमारा रिसीव का है, ये हमारा रिसीव का है, इसी तरह से हमने इसका पेमेंट का भी लेना है। तो पेमेंट में हम आएंगे पे डेट अमाउंट पेड कैश कार्ड, कॉपी किया इसको, स्टेटमेंट में आए हम इसको भी यहाँ रख दिया, बीच के गैप को कम कर दिया। इसको फिलहाल हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि रेंट कितना आया है कितना गया है वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाए। तो उसके लिए हम बराबर रिसीव के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर का फॉर्मूले में आएंगे, रेंज ले लेंगे हमें जो हमें रेंज में आंसर चाहिए। तो रिसीव में हमें जो रेंज चाहिए वो ये वाली चाहिए, ऐसे वैसे लग सकता है ऐसे फॉर्मूला कोमा। दूसरी जो रेंज होगी वो हमें देखनी है लेज़र आईडी के अकॉर्डिंग, तो लेज़र आईडी बराबर कर लेंगे इसको स्टेटमेंट में आके ये वाला है। तो इस टाइम इसमें क्या है, रिसीव में कोई एंट्री नहीं, और इसी को सेम अगर हम यहाँ से कॉपी करें और पे आईडी में आ जाएं और रिसीव की जगह हम कर देते हैं पेमेंट, तो आप देखेंगे कि ये हमारा इस तरह से पेमेंट का आ गया। आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला इफ एरर का भी लगा लें, इफ एरर ब्रैकेट लास्ट में कोमा 0 इन दो बार इन्वर्टेड कोमा, ये आ गया, इसमें भी आप लगा लीजिए। अब इसमें हमने करना यह है, ए को तो हमने, सी को हमने लॉक करना है, एम थ्री को हमने लॉक करना है। अब आपने पकड़ के इसको यहाँ से इस तरह से ले लेना, इसी तरह से सी को हम लॉक कर लेंगे, एम थ्री को लॉक कर लेंगे। आप देखेंगे जैसे ही हम पकड़ के खींचेंगे वो यहाँ पे इस तरह से डिटेल में आ गया। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ये डेट है लेकिन उसका फॉर्मेट गलत है, इसको हम क्या करेंगे, डेटा में आके नंबर में आ जाएंगे, हम ले लेते हैं ये वाला फॉर्मेट। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट नंबर में आके यहाँ से ले लेते हैं हम ये फॉर्मेट। तो ये रेंट हो गया। नंबर 2 पे देखते हैं हम, तो नंबर 2 जो कमीशन है वो देखो रिसीव में भी आया है और पेमेंट में भी आया है। नंबर 2 जो है वो कमीशन है, तो यहाँ कैश कार्ड की इसकी जगह हमने, अब हमने इसमें थोड़ी सी गलती ये की है कि ये तो ए से आ रहा है ये बी से आ रहा है, अमाउंट जो है वो हमारा आना चाहिए ई से, सी और डी छोड़ने हैं, ई और एफ आने हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ई, यहाँ पे कर लेंगे हम ई क्योंकि आंसर हमें पहले लेना है, और यहाँ पे कर लेंगे हम एफ। तो देखो फिल्टर फॉर्मूला कितना हमारे काम को आसान बना देता है। तो दोस्तों ये आ गया हमारा, इसमें हम स्टेटमेंट देख सकते हैं, चाहे तो हम अपने कैश की देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए
मैंने आपको अभी बताया भी था, कैश आपने लिखा तो पूरी डिटेल आपको दिखाएगा कैश कहाँ कहाँ से आया है। और ये आ गया आपका कमीशन का। अगर हम इसमें लेज़र नंबर 3 करते हैं तो वो आपको दिखा देगा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, टोटल रिसीव, टोटल पे, इसका ही बना सकते हैं आप, बराबर सम ब्रैकेट रिसीव के लिए यही ले लेंगे आप नीचे तक, और पे के लिए हम ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई। लेंथ इसकी अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। अब देखें लेज़र में हमारी डिटेल आ गई है, स्टेटमेंट हमारा आ गया है, पेमेंट हमारा चल ही रहा है और रिसीव हो रहा है। अब डे बुक देख लेते हैं। तो हमारा जहाँ तक है 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो डे बुक में हम आए, सीरियल नंबर लिखे हमने, डेट लिखी और अमाउंट इन, अमाउंट आउट और बैलेंस। आप इससे पहले एक कॉलम हमने जोड़ लिया, यहाँ पे ले लिया हमने कैश ऑब्लिक कार्ड, तो यहाँ पे हमने कैश देखना, तो कैश की डिटेल आएगी और इसका ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हमने लिया कैश और यहाँ पे हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, बराबर वी लुकअप ये वाला कोमा लेजर में आके कोमा दूसरा कॉलम कोमा ज़ीरो, तो ये तो हमें बता देगा आपका कैश कार्ड कितना अवेलेबल है। एक महीने का हम हिसाब लेना चाहते हैं तो फिलहाल एक महीने की वो बना लेते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा हमने 1 और यहाँ लिखा 2, फिलहाल इसमें हम 31 दिन का बना लेते हैं। स्टार्ट डेट यहाँ से ले लेंगे हम 1/1/2020, बराबर ये वाला सेल प्लस 1। अब इसमें हमने अब इसका जो हमारा है इसकी जो डेट है वो हम कर लेते हैं इसको सेंटर, और इसको जो है कर लेते हैं हम नंबर अमाउंट इन बराबर सम इफ एस। अब यहाँ पे इफ्स के फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट पहले इसमें सम रेंज यानी वो रेंज जो इसका टोटल आना है, तो हम रिसीव में चलते हैं, सम रेंज जो है वो ये वाली है, कोमा लगाएंगे हम, क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला जो क्राइटेरिया है वो कैश बैंक का है, तो यहाँ से ले लेंगे क्राइटेरिया 1, फिलहाल 1 ले लिया हमने, क्राइटेरिया 2 जो है वो डेट का है, इसको ले लेंगे 2, तो 1 जो है हमारा कैश बैंक का है, तो यहाँ से हम इसके 1 की जगह ले लेते हैं कैश और 2 की जगह ले लेते हैं डेट। बस में आपने ये ध्यान देना कि A3 जो है क्योंकि वो तो वही रहेगा, इसको हमने लॉक कर देना। तो इसको हमने लॉक करने के बाद नीचे तक आपने कह दिया, तो ये आपको बताने लग गया कितना अमाउंट इन हुआ है। सम इफ एस ब्रैकेट, अब सम रेंज होगी वो पेमेंट की होगी, वो ये वाली रेंज होगी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, कैश बैंक का 1 हो गया क्राइटेरिया और डेट का क्राइटेरिया 2 हो गया। तो 1 का क्राइटेरिया जो है वो कैश बैंक का है, और इसको लॉक कर लेंगे, डेट वाले को लॉक नहीं करेंगे।
बैलेंस में हम क्या करेंगे, बराबर ओपनिंग बैलेंस में प्लस करेंगे टोटल अमाउंट इन अमाउंट आउट। अब इसमें हम क्या करेंगे, बराबर ये वाला सेल जो लास्ट अमाउंट है प्लस इन माइनस आउट। तो आपने देखा इस टाइम आपके पास क्लोजिंग जो बैलेंस है वो 16,464 है कैश में। अब हम चाहें तो लेज़र शीट में आके देख सकते हैं कितना है, 16,464। चाहे तो आप डेबुक में ओपनिंग बैलेंस टोटल इन टोटल आउट बैलेंस, चाहे तो इसी की कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी डेबुक रेडी है और इसमें आपने एक साथ आप दो तीन जने भी इसमें काम कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया का एरिया है और इसको थोड़ा और कलर दे देते हैं, जैसे हम इसको ये कलर दे देते हैं। यहाँ पे आपने चेंज किया तो वो सारी डिटेल देगा और ये सब हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलने लग गया कि कौन सी डेट में क्या अमाउंट आया है और इसमें स्टेटमेंट में हमें ये पता चलने लग गया कैश कितना आया है, कौन कौन से वाउचर से आया है, और साथ ही ये पता चलने लग गया कोई सी लेज़र के बारे में कि इस लेज़र का क्या स्टेटमेंट है। और तो दोस्तों ये वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब आपने देखा लेज़र शीट में भी सब चीज़ है, स्टेटमेंट में भी है, डेबुक भी है, पेमेंट भी है और रिसीट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ये जो फाइल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ने इसमें क्या किया है कि यहाँ पे एक डेट ली है, अगर आप इसको 2/1/20 करोगे तो फरवरी का दिखाएगा और 1/1/20 जो मंथ का आपने लेना है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ नीचे प्लस किया तो वो प्लस होते चलेगा।